Luisa Blanco. ईश सुरासुर मनुष्यन्द बंदिदं दोद्घायकं विमलं प्रणमामि बद्धमानं तेत्तं धम्मसकतारम्। पेज नंबर 84 नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, उसकी चर्चा करेंगे। आचार्य जयसेन स्वामी के ग्रंथ में प्रवचन सार्थी में कुछ गाथाएं और हैं, उन गाथाओं को पढ़ेंगे। 11 गाथाएं एक्स्ट्रा हैं, है ना, तो 11 गाथाओं की चर्चा करेंगे। 11 गाथाओं में श्वेतांबर मत मान्य स्त्री मुक्ति का निषेध किया गया है। पहली गाथा में शंका उपस्थित की गई है, फिर शेष गाथाओं में उसका समुचित समाधान प्रस्तुत करके अंत में कैसा पुरुष दीक्षा के योग्य है यह बताकर प्रकरण को समाप्त किया गया। पढ़ते अपन गाथा, पेज नंबर 85 देखिए, 20 नंबर की गाथा है, पढ़ो। लोक निरपेक्ष है जब यह धर्म, पृथक से तब क्यों कहा नारियों के लिंग। नारियों के लिंग को अलग से क्यों कहा? श्रवणों में इंद्र जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया धर्म। जब इस लोक और परलोक की अपेक्षा नहीं रखता तब इस धर्म में महिलाओं के लिंग को भिन्न क्यों कहा गया है? अष्ट पावन में 3 लिंगों की चर्चा है, उसकी गाथा भी दी है। एक जिनवर लिंग है, एक उत्कृष्ट श्रावक, दूसरा और कोई चौथा है नहीं, पर आरिका का तीसरा। आरिका का 3 लिंग है केवल, अष्ट पावन की गाथा है। एक तो दिगम्बर मुहिराज, एक आरिका और एक एलक छल्ला। प्रथम बेस वाले पुरुष संत तो पूर्णतः लग्न रहते हैं, दूसरे बेस में उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक तो एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र रखते हैं तथा एलक मात्र लंगोटी रखते हैं, और तीसरा बेस महिलाओं का है जो आरिकाएं कहलाती हैं, मात्र एक सफेद साड़ी पहनती है। चूंकि श्वेतांबर मान्यता में पुरुष साधु भी कपड़े पहनते हैं, अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि महिलाओं के लिए अलग बेस की बात क्यों कही गई। उक्त शंका का समाधान आगामी गाथाओं में है। यहाँ तक तो प्रश्न था, अब इस गाथाओं को पढ़ेंगे। बोलो, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, नीचे से पढ़िए। नारियों को उसी भव में मोक्ष होता ही नहीं, आवरण युत लिंग उनको इसलिए ही कहा। प्रकृति जन्य प्रमाद में होती है उनकी परिणति, प्रमाद बहुला नारियों को इसलिए प्रमदा कहा। नारियों के हृदय में हो मोह द्विषुभये गृण माया अनेक प्रकार की बस इसलिए निर्वाण एक भी है दोष ना जो नारियों में नहीं हो। अंग बिना ढके हैं अतएव आवरणी कही। चेत चंचल शिथिल तनयर रक्त आवे अचानक और उनके सूक्ष्म मानव सदा ही उत्पन्न। नाभि कांख एवं स्तनों के मध्य में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहे उनके नित्य ही। हरि दर्शन शोध होवर सूत्र भी करे। घोर चारित आचरे पर नारियों के निर्जर इसलिए उनके लिंग को बस सपट ही जिनबर कहा। कुल रूप व्युत वेग श्रमणी कही जाती आर्य। त्रिवर्णी नीरोग तप के योग वैसे युक्त हो। सुमुख निंदा रहित नर ही दीक जाके योग। रत्नत्रय का नाश ही भंग जिनवर ने का। भंग युत हो श्रमण सल्लेखना के योगिना। सारा प्रकरण 2-3 गाथाओं की विशेष चर्चा करेंगे। इसमें से अपन रत्नत्रय का भंग हो तो श्रवण सल्लेखना के योग्य नहीं होते। रत्नत्रय बड़ी काम की चीज है, श्रवण सल्लेखना के योग्य नहीं होते। अंतरंग का लिंग वो क्या नाम रत्नत्रय तो निर्दोष ही होना चाहिए, लेकिन बाहर का यदि सदोष है तो फिर उनको समाधि नहीं करा सकते। बाहर में आचरण रूप जो उनका है रत्नत्रय वो सही होना चाहिए। इसमें तो अपन अभी देखो वो सरलता से पढ़ा पर धीरे धीरे। तो एक शब्द आया इसमें सपट। सपट माने सवस्त्र, पट माने कपड़ा होता है। सपट शब्द आया इसमें 28 नंबर में। इसलिए उनके लिंग को बस सपट ही, सपट माने पट सहित। पट समझते, पट पट घट पट नाम सुना है। घट पट, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा। एक शब्द सुना है ना पट कथा, स्टोरी में फिल्म की स्टोरी उसको पट कथा कहती है। नाटक होती है, नाटक उसको पट कथा कहती है। फिल्मों की स्टोरी का नाम पट कथा। जैसे पट माने कपड़ा, सपट कहा माने कपड़ों सहित का। माने आरिकाएं मुनिराज की तरह नग्न दिगम्बर नहीं हो सकती, ये कहना है। सपट कहा माने कपड़ा पहन करके ही होगा आरिकाओं का, है ना, समझ में आए। और देखो क्या है, बाकी तो सरल है। अब इसमें पढ़ते नीचे, निश्चय से महिलाओं को उसी भाव में मोक्ष नहीं देखा गया, इसलिए महिलाओं के आवरण सहित पृथक चिन्ह कहा है। महिलाओं की स्वभाव से परिणति प्रमादमयी होती है, इसलिए उन्हें प्रमदा कहा गया है। प्रमाद की बहुलता होने से ही उन्हें प्रमदा कहा जाता है। महिलाओं के मन में मोह, द्वेष, भय, गिलानी और विशेष प्रकार की माया निश्चित होती है, इसलिए उन्हें उसी भाव से मोक्ष नहीं कहा। इस जीव लोक में महिलाएं एक भी दोष से रहित नहीं होती और उनके अंग भी ढके हुए नहीं है, इसलिए उनके बाह्य का आवरण कहा है। महिलाओं में शिथिलता और उनके चित्त में चंचलता होती है तथा अचानक ऋतु समय रक्त प्रवाहित होता है, उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। महिलाओं के लिंग में, दोनों स्तनों के बीच में, नाभि में और कांख में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसा होने पर उनके संयम कैसे हो सकता है? यदि भी महिला सम्यक दर्शन शुद्ध हो, आगम के अध्ययन से ही युक्त हो और घोर चरित्र का आचरण भी करती हो, तथापि उसके निर्जरा नहीं होती, ऐसा कहा है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने उन महिलाओं का लिंग वस्त्र सहित कहा है। जी सपट आया, सपट कुल रूप उम्र से सहित जिनागम के अनुसार अपने योग्य आचरण करती हुई बेश्रमणी आरिका कहलाती। तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण वाला, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसको यहाँ वर्ण कहते हैं, है ना। मैं नीच कुल के नहीं होना चाहिए। तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण वाला नीरोग शरीर, ये शरीर का परीक्षण होता है, निरोग होना चाहिए। तपस्या वो सहन करने योग्य, उम्र, शरीर बहुत कमजोर है और तप को सहन नहीं कर सकती, व्रत उपवास करने में सामर्थ्य ना हो। होता है कोई कोई को बार बार भोजन लेना पड़ता है, अब मलवंतराय आ गया तो क्या करोगे फिर? तो ऐसे लोगों को फिर दीक्षा नहीं मिलती। तो शक्ति संपन्न होना चाहिए शरीर, है ना, निरोगी होना, तपस्या को सहने की योग शरीर हो, योग्य उम्र व सुंदर मुख हो तथा लोक निंदा से रहित पुरुष दीक्षा ग्रहण करने की योग्य होता है। ये मुहिराज के बारे में बता दिया, ऐसे आरिकाओं का भी समझना। रत्नत्रय के नाश को जिनेन्द्र देव ने भंग कहा है। शेष शरीर के किसी अंग को खंडित हो जाना, वायु का रोग हो जाना, अंडकोश को बढ़ जाना आदि के द्वारा वह सल्लेखना के योग्य नहीं होता। सल्लेखना हो तो ये तीन बातें सही होनी चाहिए, है ना। आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं टीका में बहुत कुछ तो गाथाओं में समागत भाव का स्पष्टीकरण किया है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। 26वीं गाथा की टीका में वे एक स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि जो दोष महिलाओं में बताए गए क्या वे दोष पुरुषों में नहीं होते? एक प्रश्न खड़ा किया तो उक्त प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी इतना पढ़ के तो ऐसा लग रहा है नारियों के साथ पूरा पक्षपात किया गया हो कि नारियां बेचारी बहुत खराब हैं और असंयमी हैं, प्रमादी हैं, मोह, राग, द्वेष है और ये है वो है, ऐसा बहुत लगता है। तो उसका उत्तर ऐसे दिया, जो दोष महिलाओं पाए जाते पुरुषों में ही पाए जाते, ऐसा नहीं पाए जाते। और ध्यान रखना, किंचित मात्र भी मुनिराज में भी दोष होगा ना तो मोक्ष नहीं होगा। बस इतना है कि मोक्ष जाने वाले मुनिराज का दोष छूट जाते हैं। और चूंकि आरिकाओं का मोक्ष नहीं होता उस भाव से, इसलिए वो दोष नहीं छूटते। दोष तो दोनों में हो सकते हैं, स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी, लेकिन पुरुषों के दोष मोक्ष जाएंगे तो छूटेंगे। बाकी अन्य मुनिराज होंगे जो मोक्ष नहीं जा रहे, उनका तो दोष होंगे, तो अंतर तो पाया जाता। तथापि महिलाओं में बहुलता से पाए जाते हैं, होने मात्र से समानता नहीं होती। क्या विष की कणिका और विष के पर्वत को समान कहा जा सकता है? लेकिन ध्यान रखना, अपेक्षा वही है कि चूंकि आरिकाएं मोक्ष नहीं जाती और पंचम स्थान से आगे नहीं बढ़ सकती, तो उनके दोष इस अपेक्षा से पंचम स्थान से आगे ना बढ़ने के कारण उनके दोष कहे जाएंगे। लेकिन मुहिरा छठे सातवें स्थान में चली जाती तो प्रमत्त अवस्था नहीं रही, अप्रमत्त हो जाती, इसलिए उनके प्रमाद कणिका है। शब्द क्या लिखा है? विष की कणिका, और वहां विष का पहाड़ है। पहाड़ का मतलब पंचम स्थान, समझ में आया? तो स्त्री शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गुणस्थान वाली बात, ध्यान रखना, घृणा नहीं फैलाई इसमें। दूसरी बात यह है कि पुरुषों में वज्रसभ नारायण संघनन नाम का पहला संघनन के बल से दोषों को नष्ट करने वाले मुनि के योग विशेष संयम होता है। उक्त तो दोषों की बहुलता से और वज्रसभ नारायण संघनन न होने के कारण स्त्रियों में उक्त संयम कैसे हो सकता है? वज्रसभ नारायण संघनन होगा तो उक्त दोष मिटाने की क्षमता होती है। चूंकि महिलाओं में पहला नंबर का जो है वज्रसभ नारायण संघनन वो होता ही नहीं, ध्यान रखना, महिलाओं में नहीं होता, जिन पुरुषों में नहीं होता उनको भी फिर उतने ही दोष है। जहाँ भी अपन लोग हैं तो वज्रसभ नारायण नहीं है, तो स्त्रियों में अपने में कोई दोषों का अंतर पड़ जाए ऐसी बात नहीं है कि वे तो बहुत पहाड़ है और अपने में कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझना, है ना। देखो दोषों की बहुलता उसी अपेक्षा से कही गुणस्थान है ना। पांचवें गुणस्थान कौन सा है? प्रमत्त और क्या नाम है, संयमा संयम, पांचवें गुणस्थान संयमा संयम, और प्रमत्त दशा तो है ही। छठे गुणस्थान में प्रमत्त का और सातवें में अप्रमत्त का, तो इनको पंचम गुणस्थान है। तो पंचम गुणस्थान है तो दोष बहुत है, उससे आगे जा नहीं सकते। और मुनिराज यथाख्याचारी तक चले जाते हैं, तो वो तुलना ऐसे करना है। शरीर अकेले के होने से दोष नहीं है, ये ध्यान रखना, मैंने शरीर की तरफ से नहीं है, वो वहां से समझना आप इसको। अब आगे 27वीं गाथा में कहा है प्रश्न, महिलाओं की निर्जरा नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, ये बात तो ठीक है, पर निर्जरा भी नहीं होती, ये कैसे माना जाए? गाथा में क्या है, महिलाओं की निर्जरा नहीं होती, क्या मतलब? तो इसका उत्तर खुलासा देखो, बहुत अच्छा। अरे भाई, इसका भाव यह है कि उनके उसी भाव में कर्मों के क्षय करने की योग्य संपूर्ण निर्जरा नहीं होती। पंचम गुणस्थान का तो निर्जरा तो है, गुण श्रेणी निर्जरा होती है पंचम गुणस्थान में, लेकिन संपूर्ण क्षय नहीं होगा, संपूर्ण निर्जरा नहीं होगी। और दूसरी बात है कि प्रथम संगम का अभाव होने से जिस प्रकार महिलाएं सातवें नरक नहीं जाती, उसी प्रकार मोक्ष भी नहीं जाती। महिलाएं कभी सातवें नरक नहीं जाती, तो मोक्ष भी नहीं जा सकती। शास्त्र में एक और शब्द है, प्रश्न है, शास्त्र में भाव स्त्रियों को तो मोक्ष जाना माना गया है, उक्त कथन का क्या आशा है? कर्णानियों की चर्चा है। भाव स्त्री, भाव नपुंसक और भाव पुरुष, ये तीनों का मोक्ष होता है। भाव से नपुंसक है लेकिन तो भी मोक्ष हो जाता है। तो इसमें समझाने जैसी तो अभी कोई बात विस्तार की नहीं है, लेकिन भाव माने कर्म के उदय में होने वाले परिणाम। क्या बोला हमने? कर्म के उदय की बात है वो, लेकिन ध्यान रखना जो तीन बताए ना, भाव स्त्री, भाव पुरुष और भाव नपुंसक का मोक्ष, उनका शरीर पुरुष का ही होगा, हाँ ये ध्यान रखना है, उनका शरीर पुरुष का ही होगा। लेकिन नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे भाव स्त्री, भाव पुरुष और भाव मनुष्य माने पुरुष, भाव नपुंसक, तो एक भाव वेद कहलाता है। भाव वेद माने कर्म के उदय में होने वाले का एक जीव का परिणाम। तो तीनों वेद वालों को मोक्ष होता है। अब यहीं से गड़बड़ हो गई मतलब श्वेतांबर तीनों द्रव्य लिंगों को मोक्ष मानती है। तीनों द्रव्य लिंग समझिए कौन कौन, जो नपुंसक होते हैं शरीर से, हिजड़े, स्त्री और पुरुष, तीनों का मोक्ष मानते हैं, तीनों को सकल संयम मान लेते हैं, क्योंकि लिखा है ना भाव स्त्री। तो भाव स्त्री का मतलब समझ लेना, नियम बहुत सारे इसके अलग से पढ़ना पड़ेंगे आपको। जो पूर्व में सम्यक दृष्टि है, पूर्व भाव से, वो तो यहाँ जन्म लेते हैं जब, तो भाव पुरुष ही होंगे और भाव और द्रव्य पुरुष ही होंगे, मतलब दोनों वेद उनके सही होंगे, भाव वेद और द्रव्य वेद। भाव तो समझ गए, द्रव्य और भाव, जैसे पर कहते हैं ना द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, है ना, ऐसे बोलते हैं। ऐसे भाव वेद और द्रव्य वेद, शरीर, लेकिन ध्यान रखना लिंग और वेद में अंतर होता है। क्या कहा? हाँ, अंतर होता है, मतलब शरीर की रचना है ना, वो लिंग कहलाता है, द्रव्य लिंग शरीर, और भाव माने अंतर में होने वाले जीव के परिणाम। एक्चुअली वो कर्म के उदय सापेक्ष होता है, बाकी आप पकड़ नहीं सकते उनको। इसकी चर्चा तो बहुत है, 1-1.5 घंटे सुने कम से कम बैठ के, तो विस्तार हुआ। और अपने कुछ कहना नहीं, हमें तो इतना ही बताना है कि जो भी मोक्ष जाते हैं वे शरीर से तो पुरुष ही होते हैं, लेकिन भाव वेद उनका अंतर में स्त्री पुरुष या नपुंसक का हो सकता है, और ये बदलता नहीं, जीवन भर एक जैसे ही रहता है। थोड़ा देखा होगा आपने, कोई कोई लड़का होता है लेकिन लड़कियों जैसे बोलने की स्टाइल, लड़कियों से चलने की स्टाइल, लड़कियों जैसे सोचने की स्टाइल, बैठने की स्टाइल, नाचने की स्टाइल, लड़कियों जैसे। तो अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये शरीर से तो पुरुष है लेकिन भावों से लड़की है। अब उल्टा करो, कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं, शरीर से तो स्त्री हैं लेकिन उनकी वाणी, सोचने का तरीका बिल्कुल पुरुषों जैसा होता है। तो हम इसको कहेंगे भाव पुरुष भेद अंदर से। ये दृष्टांत में कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कायदे से तो उसे जनानी लिखना चाहिए, जनानी नहीं, खूब लड़ी मर्दानी, पढ़ा हुआ, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी क्या होता है? जनानी कहना चाहिए उसे, लेकिन वो महिला होने पर भी मर्दों जैसा काम किया उसने, तो खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी मैंने स्त्रीलिंग शब्द बना दिया उसको, और मर्द तो कहते पुरुष को, लेकिन उसको समझाने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया। तो समझ गए, थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आ गया होगा, विस्तार में पढ़ोगे तो बहुत कुछ है, इतना ही समझे अपन। आगे देखो, देखो शास्त्र में भाव स्त्रियों को मोक्ष जाना कहा है। उत्तर, भाव स्त्रियों के प्रथम संगन होता है, और द्रव्य स्त्री वेद का, देखो है ना, द्रव्य स्त्री वेद का अभाव होने से, द्रव्य स्त्री वेद का अभाव होने से, द्रव्य स्त्री वेद समझ गए, शरीर से पुरुष है, शरीर से पुरुष है और भाव में स्त्री है, अभाव होने से, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले परिणामों को रोकने वाला तीव्र कामोद्रेक भी नहीं होता, अतः उन्हें मोक्ष होने में कोई बाधा नहीं। कौन को? भाव स्त्री वालों को। यदि द्रव्य स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता तो फिर आरिकाओं में महाव्रत का आरोपण क्यों किया गया? आरिका को महाव्रती कहलाती है, तो उसका उत्तर उपचार से कहा है, साक्षात नहीं है, साक्षात 28 मूल गुण नहीं पाल सकते हो, क्योंकि नग्नता नहीं पाल सकते, खड़े खड़े हाथ में आहार लेना नहीं पाल सकते, कपड़े पहने होते ना, तो दिक्कत आई, तो इसीलिए साक्षात नहीं है, मात्र उपचार से उनको कहा है। विशेष बात यह है, अब देखिए गजब बात, विशेष बात यह है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को श्वेतांबर लोग स्त्री मानती, जो उचित नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व में 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर होते हैं, ऐसा नियम ही है, ऐसा नियम है। भारत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर पूर्व में ही तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, और तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला कभी भी द्रव्य से स्त्री नहीं हो सकता, शरीर से स्त्री नहीं, उनका भी नहीं होगा, है ना। तो है? भाव से हो सकते हैं, हालांकि भाव से भी नहीं होंगे वे, लेकिन अन्य जो साधु होते हैं जो मोक्ष जाते हैं वे हो सकते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो भाव से भी पुरुष होते हैं और द्रव्य से भी पुरुष ही होते हैं। 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर होती हैं, और सम्यक दृष्टि को स्त्री भेद का बंध नहीं होता, तब स्त्री कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात है कि मल्लिनाथ स्त्री थे, तो फिर उनकी प्रतिमा स्त्री के रूप में क्यों नहीं लगाई जाती? देखा ना श्वेतांबर में जाके देखा, तो उनकी मूर्ति जो बनाते हैं मल्लिनाथ की, कहते हैं मल्लीबाई, मल्लीबाई कहेंगे, लेकिन उसकी जो मूर्ति बनाएंगे वो पुरुष की बनाते हैं। तो वो उधर ही पढ़ोगे कहानियां सब, तो उनकी कहानियों में कहते हैं कि वो अतिशय है कि शरीर स्त्री का होने पर भी सबको पुरुष दिखते थे, अतिशय है। तो अतिशय कैसे हुआ कि इंद्र ने कर दिया, ऐसे घुमा फिरा देते उसको, समझ आया। दूसरी बात है यदि, हाँ तो हो गया ना, यदि स्त्रियां सदोष होती हैं तो फिर सीता, रुक्मणी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्रियां जिन दीक्षा ग्रहण कर 16वें स्वर्ग में कैसे गई? इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में जाने का निषेध नहीं है। वहां से आकर पुरुष होकर मोक्ष जाने में कोई भी आपत्ति नहीं, क्योंकि स्त्रियों का उसी भाव से मोक्ष जाने का निषेध है। अन्य भाव से पुरुष होकर मोक्ष जाने में कोई दोष नहीं है। अब आ जाओ मूल गाथा 225। गाथा नंबर 225। अभी तक चर्चा चल रही थी उत्सर्ग मार्ग ही श्रेष्ठ है, अपवाद मार्ग नहीं, और अब इस गाथा में कहेंगे अपवाद मार्ग में होने वाली विशेष बातें समझा रहे हैं। उत्सर्ग की तो बात करी थी, और अपवाद मार्ग में क्या विशेष बातें होती है वो बताएंगे। देखिए पढ़िए गाथा। जी बहुत जोरदार लिस्ट है, चल चुकी है वैसे चर्चा, अपन अपने पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ लिस्ट है। अब बात समझ गए, जिससे मोक्ष नहीं होता उत्सर्ग मार्ग माने शुद्ध उपयोग, 7वां गुणस्थान से आगे उससे मोक्ष होता है। लेकिन 6ठे गुणस्थान में जो अपवाद है, अपवाद माने तो उन अपवाद से मोक्ष नहीं होता। लेकिन आपने पढ़ा पहले क्या कहा था, क्या 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 शब्द आया था वो, नहीं है, अनिंद नहीं है, क्या ऐसा कुछ नहीं, अनिंद नहीं है, अनिषेध, हाँ हाँ अनिषिद्ध है, अनिषिद्ध नहीं है, ऐसा शब्द है अनिषिद्ध नहीं है, ऐसे यहाँ पर मैंने अनिंदित है, प्रशंसनीय नहीं कह रहे, अनिंदित है ना, ऐसे शब्द आए थे पहले भी। तो अब क्या, देखो कितनी बड़ी बात, अब बात के नाम पर मुझे इतने काम तो कर सकते हैं, नहीं करे तो दी बेस्ट, नहीं करे शुद्ध उपयोग में रहे तो बहुत दी बेस्ट है वो, लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। कौन कौन से, देखिए जिन मार्ग में यथाजात रूप नग्न दिगम्बर अवस्था को उपकरण कहा गया है, गुरु के वचन सुनना, सूत्रों का अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, और विनय को भी उपकरण कहा गया है। विनय में साधु आचार्य को नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, इस विनय को भी उपकरण कहा गया है, करण नहीं कहा गया, उपकरण। असली करण तो अंदर का ही है, असली करण तो अंदर का है, उपकरण कहा गया है ना। क्या काम करने के लिए बोला है, गुरु के वचन सुनना, सूत्रों का अध्ययन करना माने शास्त्र पढ़ना, और विनय करना, ये 3 काम अब बाद में लिए हैं, बाकी नहीं लिया। आगे अब बाद रूप अनिषिद्ध, देखो आगे अनिषिद्ध उपाधि श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाली होने से उपकरण है, अन्य नहीं। इतने उपकरण है, बाकी नहीं। बाकी क्या मतलब समझिए, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा रखना, अकाउंट रखना, ये नहीं उपकरण। कीमती मालाएं रखना, मुहिराज मालाएं नहीं रखते, और कीमती तो रखते ही नहीं है, मुनिराज के लिए तो उंगलियों से ही करना चाहिए, वैसे तो मुनिराजों के लिए उंगली से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, प्रमाद आ रहा हो, नींद आ रही हो, कोई बात हो तो उंगलियों पे करो, उंगलियों से भी करने में, प्रमाद आ रहा हो तो माला से करो, लेकिन मालाएं भी संग नहीं रख सकते, उपकरण संग लेके नहीं चल सकते, और कीमती होने का तो प्रश्न नहीं है, सोने की हो, चांदी की हो, और हीरे की हो, उसका तो प्रश्न ही नहीं। आगे समझ आए, तो क्या क्या करेंगे, देखो सभी प्रकार की कृतमता से रहित, सहज रूप से अपेक्षित यथाजात रूप होने के कारण बहिरंग लिंगभूत काय का पुद्गल, काय पुद्गल, ये काय पुद्गल हो गया शरीर, नग्न दिगम्बर शरीर, श्रवण योग तत्काल बोधक गुरु द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व द्योतक उपदेश रूप वचन पुद्गल, काय पुद्गल। अब भाषा बनना है तो वचन पुद्गल, लेकिन बड़े प्यारे शब्द लिखे देखो, श्रवण योग्य, नहीं सुनने योग नहीं सुनेंगे, फालतू गप्पे, गुरुजी का पेट दृष्टांत खराब मैंने नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी फालतू बातें कर रहे हैं तो वो सुनने नहीं बैठ जाएंगे। क्या सुनने बैठेंगे? आत्म तत्व बताने वाली, आत्म तत्व द्योतक। यदि आत्मा की चर्चा चल रही है तो सुनेंगे, यदि और कोई चर्चा चल रही है तो वे नहीं बैठेंगे। और इतनी प्यारी भाषा देखिए, एक ही शब्द काम का तत्काल बोधक। आज सुबह पढ़ी थी, कल पढ़ी थी तुमने जिनवाणी स्तुति, कल सुबह पढ़ी थी शायद। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक। तत्काल बोधक समझ गए? गुरु की वाणी सुनते से ज्ञान हो जाता है तत्काल। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक, बोधक माने ज्ञान कराने वाला। आत्मा का ज्ञान तत्काल हो जाता है। इसलिए गुरुओं की वाणी बड़े ध्यान से विनय से सुनो, सुनते ही काम हो जाए। बोधक माने ज्ञान हो जाए आपको, तत्काल बोधक। देखो कितनी अच्छी अच्छी भाषा है, श्रवण योग्य। देखो अपन सीधे लिखते, अपन लिखते ना तो मानो क्या लिख देते, मुनिराजों से उपदेश सुनना, आचार्य श्री से उपदेश सुनना, अपन ऐसा लिखते। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, श्रवण योग्य तत्काल बोधक। और क्या है? गुरु द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व के बताने वाले द्योतक, उपदेश रूप वचन पोदगल। कितनी सुंदर भाषा। तीसरा, अध्ययन किए जाने वाले नित्य बोधक। लो, ये नित्य बोधक है। क्या अंतर पड़ा तत्काल बोधक और नित्य बोधक में? जिनवाणी पढ़ा, स्तुति में पढ़ा है, सतत बोधनी है कही जिनवाणी। जिनवाणी सतत बोधनी है, नित्य बोधनी। इसमें नित्य बोधनी सब लिखा। जिनवाणी को जब पढ़ो तब आपको ज्ञान मिल जाएगा। और गुरु तो दिन में बोलेंगे, रात को तो नहीं बोलेंगे। अर्थात गुरु जब बोलेंगे तब ज्ञान होगा। और जिनवाणी कभी भी पढ़ी जा सकती है। इसलिए जिनवाणी है नित्य बोधनी और गुरुओं की वाणी है तत्काल बोधनी। तत्काल समझ गए? जब बोलेंगे उसी समय, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। रात को तो नहीं बोलेंगे, सामाईक में नहीं बोलेंगे, आहारचर्या के समय नहीं बोलेंगे, मलमूत्र क्षेपण कर रहे हैं तब नहीं बोलेंगे, सामाईक ध्यान में लगे तो भी नहीं बोलेंगे। बताओ, तो गुरु ज्यादा उपकारी है कि जिनवाणी ज्यादा उपकारी है? तो जिनवाणी नित्य बोधनी है। जिनवाणी को, इस जिनवाणी शास्त्र को तीर्थंकरों से भी ज्यादा उपकार माना है। तीर्थंकरों से भी ज्यादा उपकार है इनका। क्यों? तीर्थंकर तो पूरे इतने बड़े भारत में कहीं एक जगह होंगे। महावीर भगवान समोसन कहाँ लगेगा? किसी एक स्टेट में लगेगा, एक जगह लगेगा। तो पूरे इंडिया के लोग तो आ नहीं जाएंगे वहां सुनने, लेकिन उनकी वाणी ग्रंथ रूप में घर घर पहुंच गई। पहले तो घरों में जिनवाणी दुर्लभ होती थी, लेकिन होती थी ये समझो। लेकिन जब से ये प्रिंट हो गया, प्रिंट आ गया, तब से डॉक्टर साहब आकर कहते हैं, जैसे हर एक के अपना अपना कपड़े होते हैं, हर एक का अपना अपना टीवी होता है, हर एक का अपना अपना मोबाइल होता है, ऐसे हर एक का अपना अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक होना चाहिए। क्या मान लो एक कमरे में, वहां अब सो रहे सब लोग, अब तुम रात को पढ़ना चाहते, नींद खुल गई, अब तुम पढ़ोगे कैसे? तो अपना अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, अपना अपना समय सार जी हो, ताकि तुम्हें जब मन करे तब शास्त्र पढ़ लो। ये नहीं सोचना पड़ेगा वो अम्मा के कमरा में कि दादा के कमरा में तो उसमें तो ताला लगा हुआ है। तो ऐसे नित्य बोधनी जिनवाणी का बड़ा उपकार है, तीर्थंकरों से ज्यादा उपकार है। आइए, और क्या हुआ? अध्ययन किए जाने वाले नित्य बोधक अनादि निधन। आत्म तत्व को क्या बोला? अनादि निधन। मैं कैसा हूं? अनादि निधन। प्रकाशित करने में समर्थ श्रुत ज्ञान के साधनभूत शब्दात्मक सूत्र पुद्गल। काय पुद्गल? वचन पुद्गल, इस सूत्र पुद्गल। और शुद्धात्म तत्व को व्यक्त करने वाली दार्शनिक पर्याय और रूप परिणमित पुरुष के प्रति विनम्रता का अभिप्राय प्रवर्तित करने वाली चित्त पुद्गल। लो, इसको चित्त पुद्गल कह दिया। चित्त में विनय आती तो चित्त पुद्गल कह दिया। ये चार अबाध मार्ग की उपकरण रूप उपाधि है। इनका अपवाद मार्ग में निषेध नहीं किया गया। अर्थात मुया ये चार काम तो कर सकती है, सुनना, पढ़ना, विनय करना और नगर दिगम्बर रहना। तात्पर्य कि काया की भांति मन और वचन भी वस्तु धर्म नहीं है। मन, वचन और काय ये तीनों आत्मा का धर्म नहीं है। इसे संबर निर्जरा नहीं होती, इसे मुनिपना नहीं कहा। होता तो है लेकिन मुनिपना इसका नाम नहीं है। आगे जयसेन स्वामी का दिया फेरा। फिर एक बंदा जी का छंद है ना? बाकी से रिपीट हुआ है। अपन ये पेज नंबर 13 में निकालो। तेरहवें पेज उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जब मुनिराजों के आत्महित के निमित्त रूप शरीर, गुरुओं के वचन, जिनवाणी पठन और गुरुओं की विनय को भी उपकरण कहकर परिग्रह ही कहा है, तब अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या करना। दूसरी विशेष बात है कि यहाँ जिनवाणी को नित्य बोधक और गुरु वचनों को तत्काल बोधक का है। शास्त्र तो हमें सहज भाव से 24 घंटे उपलब्ध हो जाती है, हम जब चाहें तब उन्हें पढ़ सकते हैं, पर गुरु के वचन सदा और सर्वत्र उपलब्ध नहीं रहते। वे तो हमें सुनिश्चित क्षेत्र काल में ही प्राप्त होते हैं। सुनिश्चित क्षेत्र काल समझ गए? काल माने रात्रि में नहीं होगा, अभी बताई थी, और क्षेत्र माने हर कहीं नहीं मिलेगा सुनने के लिए। इसलिए शास्त्रों को नित्य बोधक, गुरु वचनों को तत्काल बोधक का। तीसरी बात है, कोई बात समझ में ना आवे तो गुरु से पूछ सकते हैं, गुरु जी से, पर शास्त्रों के साथ सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनसे हमारी और एक तरफा मार्ग है। उनकी बात हमें तो उपलब्ध है, पर हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते। शास्त्रों में वन वे ट्रैफिक, पढ़ सकते हो लेकिन नहीं समझ में आया तो पूछ नहीं सकते। शास्त्रों की प्रशंसा की गई है कि शास्त्र बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वे गुरु की तरह कान नहीं पकड़ते, तुम ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो दंड नहीं देते, तो सजा नहीं देते, लेकिन गुरु तो प्रत्यक्ष होंगे, तो आप पूछ भी सकते हो, आप गलती करोगे तो डांटेंगे भी, कान भी पकड़ेंगे और दंड भी देंगे। समझ में आया? आगे देखो, तीसरी बात है कि हाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनसे हमारी एक तरफा मार्ग, उनकी बात हमें तो उपलब्ध है पर अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते। चौथी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि शास्त्रों के माध्यम से हम हजारों वर्ष पुराने संतों के वचनों का ज्ञान कर सकते हैं, पर गुरु वचनों में तो वर्तमान गुरुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। समझ गए? आप शास्त्रों के माध्यम से आचार्य कुंदकुंद स्वामी को 2000 साल पहले हुए, उन्हें भी पढ़ सकते हो, बीच में जितने आचार्य हुए सबको पढ़ सकते हो, लेकिन तत्काल बोधक मुनिराज कैसे हैं, गुरु कैसे भी तत्काल बोधक। आचार्य कुंदकुंद स्वामी नहीं तो आप उनसे सुन नहीं सकते, तो जो प्रत्यक्ष गुरु होते हैं उनसे सुनना होता है। इस तरह से हम देखते हैं शास्त्रों का अध्ययन और गुरुओं के प्रवचन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। दोनों की उपयोगिता भी असंदिग्ध है। यद्यपि इन उपकरणों की उपयोगिता असंदिग्ध है, तथापि यहाँ उन्हें उपाधि माने परिग्रह रूप में ही स्वीकार किया गया है, और अपवाद मार्ग में ही स्वीकार किया गया और सर्व मार्ग में नहीं। समझ में आ रहा है क्या गजब बात लिखी है इसमें, कि एक मुनिराज आचार्य परमेष्टि को प्रणाम करते हैं तो वे आचार्य उनके लिए परिग्रह हो गए। मजे है इसकी सूक्ष्म बात। एक शास्त्र को पढ़ते हैं, विनय करते हैं, तो शास्त्र भी परिग्रह हो गया। परिग्रह का क्या मतलब समझ आ रहा कुछ? लेकिन इस परिग्रह की निंदा नहीं है, ध्यान रखना, इस परिग्रह की निंदा नहीं। लेकिन जब ये परिग्रह भी अच्छा नहीं लगता, इतना अच्छा परिग्रह कौन सा? शास्त्र पढ़ना, गुरुओं के उपदेश सुनना, उनको विनय करना, नंग दिगम्बर रहना, ये चार बातें भी मोक्ष का कारण नहीं है, तो अन्य परिग्रह की तो क्या बात है। समझाए? तो इस तरह से दिगम्बर मुनिराजों का ये पूरा जीवन इसमें आया। अगली गाथा देखिए, 226 नंबर की गाथा है। अब इस गाथा में अनिषिद्ध उपाधि शरीर के पालन की विधि पर प्रकाश डालती है। गाथा पढ़िए। ये लोक से निरपेक्ष यति परलोक से प्रतिबद्धना अर्कसायों से रहित युक्ताहार और विहार में इस शरीर के पालन की विधि बता रहे। इसकी चर्चा अपन कल विस्तार से करेंगे, अभी तो थोड़ा बताता हूं, मैंने 1 घंटा चर्चा लेना चाहेंगे इसमें। युक्ताहार एक नया शब्द आया इसमें, युक्ताहार और युक्त विहार। क्या बोला? युक्ताहार और युक्त विहार। युक्त माने योग्य, योग्य। दिगम्बर मुनिराजों का शरीर क्या होता है? ये लोक से निरपेक्ष है, परलोक से प्रतिबद्ध नहीं है, परलोक से प्रतिबद्ध ना। क्यों? परलोक में तो, परलोक तो समझते हैं ना, अगला जन्म। तो अगले जन्म में तो मोक्ष ही जाना है, तो अगले जन्म से प्रतिबद्ध नहीं है। ऐसा नहीं सोचते अभी मोक्ष जाके क्या करेंगे, हम स्वर्ग चलेंगे, वहां बढ़िया ऐसा करेंगे। तो यहाँ से प्रतिबद्ध नहीं परलोक से, और इस लोक के निरपेक्ष है। क्या कहना चाह रहे? इस लोक में निरपेक्ष मतलब मैं इतना समर्थ मुनि हूँ, सारी समाज मेरे पास आना चाहिए, सारा समाज मेरे ग्रंथ छपने चाहिए, सारी समाज में जय जयकार होना चाहिए, सारा समाज मुझे क्यों नहीं पूछता, मेरे उपदेश क्यों नहीं सुनता, ये कहलाता है इस भाव से निरपेक्ष, इस लोक से निरपेक्ष। उन्हें ख्याति लाभ पूजा वगैरह कुछ नहीं। फिर से मुनिराज किस तरह शरीर का पालन करते हैं, अभी 2 आता ही ना, आहार और विहार। वहां ज्यादा चाहने वाले वहां चलो, वहां अपनी समाज बहुत है, वहां चलो। तो ऐसे विहार करेंगे तो अयुक्त विहार है। वन खंड आदि कोई ना हो मत, जी युक्त विहार है। युक्त विहार है योग्य विहार। जैसे आहार, ऐसी जगह आहार लेने चलो जिसमें जय जयकार हो जाए, हे भगवान मेरे आहार से पंचाश्चर्य हो जाए, एक आध बार मेरे पैर क्या हुआ था, आहार लेते तो पैरों के निशान बन जाते हैं, चरणों के, चरण छप जाए। तो ये योग्य आहार नहीं है, मैंने उनकी कोई कामना नहीं, इस लोक की कोई कामना नहीं है, और परलोक से प्रतिबद्ध नहीं। शॉर्ट में कहो तो मोक्ष जाना है उन्हें, तो बस। तो अगले जन्म आदि का भी कुछ नहीं सोचते, इस लोक का, इस लोक का मैं समझ, इस लोक में समाज से जुड़ान मुनियों, ऐसे नहीं सोचते मेरे 10,000 साधु शिष्य बन जाए तो मेरा रिकॉर्ड बन जाए, ऐसा नहीं करें। सारी समाज में पता लगना चाहिए मैंने केवल 1 रोटी खाई, मैं कम आहार लेता हूं, किसी को पता लगना चाहिए मैं कम आहार। तो ये युक्त आहार नहीं है। कल इसकी चर्चा बहुत करूंगा मैं, बहुत अच्छी चर्चा है, खासतौर से अपन लोगों के लिए काम से कर चर्चा करेंगे। अभी तो मुनिराजों की बात चल रही है, लेकिन अपने लिए क्या है ये युक्ताहार शब्द, तो बहुत प्यारा है। पंडित शाह बोलेगा सील की नौबाट, उसमें युक्ताहार शब्द आया है। युक्ताहारी होकर भाई ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। पंडित साहब को प्रवचन बहुत साल पहले सुना था, 20-25 साल पहले इसका, मतलब उस समय से युक्ताहारी दिमाग में खचित हुआ। हम तो जानते नहीं थे युक्ताहार क्या होता है, अब तुमने पहली बार सुना होगा युक्ताहार। युक्ताहारी और युक्त विहारी, जल्दी जल्दी चलना ये अयुक्त विहार है, नीचे देख के नहीं चलना ये अयुक्त विहार है, और नीचे देख देख के चलना ये अयुक्त विहार है। आहा, शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए चलना युक्त विहार है। इसमें ग्रंथ में लिखा है 4 हाथ जमीन देखकर चलते, 4 हाथ समझे, 4 हाथ। इसको कहते हैं जूड़ा प्रमाण, जूड़ा, इसको सिर को कहते हैं जूड़ा। महिलाएं जूड़ा बांधती, तो जूड़ा माने सिर। तो अब अपन खड़े होंगे ना, तो अपनी जो छाया पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी, तो उतने देख के चलते हो। तो ऐसे नाप तो नहीं, 4 फुट देख के चलेंगे, 4 हाथ देख के चलेंगे, 4 हाथ देख के चलेंगे, लेकिन सहज सहज ही युक्त विहार है उनका, युक्त विहार। बस आप अर्धनाशक दृष्टि से देखो तो उतने दिखाई देगा, युक्त विहार समझ गए, चार आप करके देखना, खड़े होकर देखना, तो नीचे से चार हाथ ही होगा वो। तो अर्धनाशक दृष्टि ऐसे देख के चल रहे। इससे फायदे क्या है, इससे फायदे क्या है आपको पता है? बहुत फायदे हैं युक्त विहार के। जब नीचे देख के चलते हैं ना, तो अपन तो चंचल होते हैं। जैसे अब तुम दिल्ली बंबई जाओ, तुम लोग नीचे देख के नहीं चल पाओगे। अच्छा जलेबी बन रही है, अच्छा इमरती, अरे आम, अरे ऐसे कपड़े, अच्छा मैं तब जो देखते हो ना कितने परिणाम बिगड़ते हैं। अब मुनिराजों के लिए नीचे देख के चलना है, तो नीचे जमीन में तो कोई नई चीज होती नहीं, केवल जीव रक्षा। तब तो पूरा पूरा उपयोग शुद्ध आत्मा में आ जाता है, तो आत्मा का अनुभव करते हुए चलते जाते हैं। इसका नाम है युक्त विहार। बाहर नीचे देख के चल रहे हैं, इसलिए हिंसा नहीं होगी, और वहां कोई राग जैसी चीज है नहीं, तो शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए बिल्कुल इजीली चले। तुम करके देखो, तुम ऐसे ऐसे देखोगे तो तुम्हें आत्मा याद तक नहीं आएगी। और सुबह क्या कहा था, देखते ही जहर चढ़ता है, देखते ही आया समझ में आया। तो एक युक्ताहार और एक तो विहार। तो युक्ताहार की चर्चा मैं कल बहुत करूंगा मैं, है ना। योग्य आहार, बस अभी पॉजिटिवली तीसरी बात बताता हूं योग्य आहार की, कि योग्य आहार करने वाले कभी रोगी नहीं होते। अयोग्य आहार से रोगी होते हैं, अयोग्य आहार से। अयोग्य आहार से दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं कि आपने मिठाई खा ली और सो गए, मिठाई खा ली फिर मंजन नहीं किया। आपकी भाषा मुनिराज तो मंजन नहीं करते, लेकिन मीठा खाने के बाद यदि आप मंजन नहीं करते हैं तो पक्के में उस दिन कीड़े लग जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे चिंटी आ जाती है ना, चिंटी ऐसे कीड़े आ जाते और खाना शुरू कर देते हैं उनको, दांतों को। तो दांतों में बीचों बीच सेंटर होता चला जाता है। तो फिर मुनिराज क्या करेंगे कि मुनिराज को मीठा यदि लेना है तो सब भोजन के सबसे पहले लेंगे, सबसे आखिरी मीठा नहीं लेंगे। सबसे आखिरी में सलाद है, सब्जी है, इस तरह की चीजें लेंगे जिससे वो मीठा ना रहे। अब अपने में से कई लोग सबसे आखिरी मीठा खाना पसंद करेंगे और दांतों में भर के रह गया, नुकसान हो। मैंने मुनिराज की आहार करने की विधि इतनी सुंदर है, वो हम सबको सीखने लाएगी। इसलिए मैं इसकी चर्चा थोड़ी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी बताऊं। योग्य आहार क्या है, युक्ताहार क्या है। तुमने कभी देखा है पेट भर जाता है फिर चावल खाने की इच्छा नहीं होती, दो चार को और बच गए, अब नहीं भाई नहीं रहा, मतलब खा रहे हैं लेकिन अंदर से लार खत्म हो गई। देखा कभी ऐसा हो जाता है, फिर वो चबाते रहते हैं लेकिन अंदर ही नहीं जा रहा हो, फिर जबरदस्ती पानी से पीते हैं उसको, कुछ तो भी करते। लेकिन यदि उसी समय इतनी खीर और दे दी जाए आप फटाफट खा लेंगे उसे। यदि उसमें शक्कर और चावल मिला दिए, घी शक्कर मिला दिए, तो आप फटाफट खा लोगे। ये अयोग्य आहार, ये है अयुक्त आहार। दिगम्बर मुनिराजों को जो आहार है वो आप ज्यादा खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, खटाई मिठाई नमक शक्कर मिला मिलू के और फिर खा लेते हैं, तो वो अयुक्त आहार है। ये नेचुरोपैथी का आहार तुम्हें बोरिंग क्यों लगने लगता है, झट याद आने लगती है इधर उधर की, क्योंकि वो भोजन जल्दी उतर जाता है। और ये जो अपन खाते हैं जैसे चबाना पड़ेगा, जैसे नारियल खा, कितना नारियल खा सकते हो? तो इसका थोड़ा तो टेस्टी लगेगा थोड़ी देर, बाद में जब चबाएंगे तो मुंह में रखा रहेगा, वो अंदर ही नहीं जाए, तो आप खा नहीं सकते एक्स्ट्रा। तो ये मुनिराजों की युक्त आहार की बड़ी चर्चा है। उस आहार में आप जैसे व्यंजन नहीं बनाए जाते, घी तेल तला हुआ ये नहीं बनाते, एकदम सादा उबला हुआ भोजन होता है। तो सादा उबला हुआ भोजन आप उतना ही खा पाओगे जितना जरूरत है। और हम लोग बीमार इसलिए होते हैं कि वो टेस्ट बनाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है। तो कोशिश करेंगे युक्ताहार और युक्त विहार, जिसकी चर्चा अपन और करें, कोशिश करूंगा। थोड़ा इशारा तो अभी कर दिए, लेकिन बहुत सुंदर चर्चा है। आप लोग आए नहीं थे तब इसकी चर्चा हमने थोड़ी की थी। 46 दोष रहित, 32 अंतराय रहित, ये सब बहुत अच्छे से आहार की विधि होती है। देखते हैं कल कितना आता है, विचार करेंगे। ओम नमः सिद्धे। इसको बंद कर दे बेटा, मोबाइल को बंद।